Hello guys, this is Sameer Wadkar और आप देख रहे हैं The Sameer Show. Guys, in this video, I am going to review DJ Sanghvi College of Engineering. Guys, currently I am in the third year of my engineering and one of the fun fact is my best friend is studying in DJ Sanghvi. So I know everything about this college. And also guys, मैं आपको promise करता हूँ, आपको इस तरह का video पूरे internet पे नहीं मिलेगा related to DJ Sanghvi. आपके दिमाग में जितने भी doubts हैं, आज के video में सब clear करने वाला हूँ. So please watch this video till the end. गाइज, अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड ऑल्सो मैंने दूसरे कॉलेजेस के ऊपर भी रिव्यूज़ बनाए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो. सो गाइज, दिस इज डीजे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. इट इज ऑटोनोमस एंड एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी. इट हैज़ गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो पूरे महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का है. सो गाइज, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेयर इट इज़ लोकेटेड, कोर्सेस और इसकी सीट्स इंटेक क्या है, कैसे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कट ऑफ्स ब्रांचेस के लिए क्या कितना जा सकता है, कितना आ सकता है, प्लेसमेंट्स आर रियली वर्थ इट और नॉट, फीस क्यों इतने हाई है इस कॉलेज के, क्राउड कैसे, आपको फ्रेंड कैसे मिलेंगे, फैकल्टी प्रोफेसर्स कैसे है, कैंपस आपको मैं क्लासरूम लैब सबके फोटोज दिखाऊंगा, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी एंड प्रोज एंड कॉन्स. So now location guys, it is located in Vile Parle. It is near the Swami Road and opposite of Cooper Hospital. How to reach guys, you can take either a train, bus or auto. It is near Juhu and Bandra. And places to visit guys, बहुत सारी places आपको nearby Vile Parle आपको बहुत कुछ चीज़ें explore करने को मिलेंगी. Juhu Beach नज़दीकी है, Juhu Chowpatty, आपको बहुत सारे malls आपको देखने को मिलेंगे, museums भी है, ऑल्सो एक्वेरियम डॉल्फिन एक्वेरियम भी है. वो चीज़ें आप एक्सप्लोर एक बार आ गए कॉलेज में विले पार्क में तो आप डिस्कवर करोगे. नाउ गाइज, इसके कोर्सेज एंड इसके टोटल इंटेक गाइज, एआई एंड डाटा साइंस की सीट्स है 60, केमिकल की 60, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी EXTC, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है 120, EXTC की 120, मैकेनिकल की 120. नाउ हाउ टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज गाइज, यू हैव टू वेज, ऑनलाइन कैप काउंसिलिंग प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूट कोटा. गाइज, ऑनलाइन कैप प्रोसेस कंडक्ट करती है महाराष्ट्र DT इंट्रांस सेल, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है. आप MHT CET और JEE के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. 80% सीट्स कैप राउंड के थ्रू ही आती है. और सेकेंड वे होता है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट कोटा. बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज इंस्टीट्यूट कोटा. गाइज, इंस्टीट्यूट कोटा आपको इंस्टीट्यूट में जाके उनका इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म फिल करना होता है. इसके भी राउंड्स होते हैं, कट ऑफ राउंड्स, जिनके रिजल्ट लगभग कैप राउंड के बाद ही आते हैं. 1, 2, 3, 4 इंस्टीट्यूट राउंड्स लग जाते हैं. सो गाइज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन कैप राउंड एंड इंस्टीट्यूट कोटा. गाइज, डिफरेंस एक ही है गाइज, अगर कैप राउंड में अगर आपको ऑनलाइन कट ऑफ ज़्यादा है तो गाइज इंस्टीट्यूट कोटा में वो थोड़ा उसका कट ऑफ कम आता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन कट ऑफ्स. सो इसलिए बहुत सारे बच्चे भले उनको 99% मिले हैं, फिर भी वो कैप राउंड में भी अप्लाई करते हैं और इंस्टीट्यूट कोटा में भी अप्लाई करते हैं. इंस्टीट्यूट कोटा इज सेफेस्ट वे टू गेट एनी सीट. तो प्लीज़ आई विल रिकमेंड यू अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट कोटा. सो गाइस, अभी हम बात करते हैं कट ऑफ रेंज की. दीज आर द लास्ट ईयर कट ऑफ्स. यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं दिया, आप मेरे फर्स्ट कमेंट में देख सकते हो. और आने वाले जितने भी साल रहेंगे उनके लिए ऐसे ही आप कट ऑफ रेंज आइडियली पकड़ के चल सकते हो. लगभग यही रहेंगे, सिर्फ पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस चला जाएगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे ओपन होम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. अदर दैन होम यूनिवर्सिटी मीन्स आउटसाइड मुंबई स्टूडेंट्स, गुजराती स्टूडेंट, देन JEE के स्टूडेंट, देन इंस्टीट्यूट लेवल कोटा के कट ऑफ्स. गाइज, कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर था 99.4. अदर दैन होम यूनिवर्सिटी अगर आउटसाइड मुंबई हो तो थोड़ा यार कम जाता है आपके लिए, एक अच्छी बात है, 97.9. अगर आप गुजराती स्टूडेंट हो तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे गुजराती स्टूडेंट्स बहुत अप्लाई करते हैं CS के लिए. सो उनका कट ऑफ था 98.73. अगर JEE के थ्रू चाहिए आपको CS तो 98.78 के ऊपर लाना पड़ेगा. गाइज, इंस्टीट्यूट कोटा के जो कट ऑफ्स होते हैं वो लगभग ओपन कैटेगरी से मैच होते हैं, सिर्फ आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स माइनस करने होते हैं ओपन कैटेगरी से. मैंने यहाँ पर रिसर्च की है लास्ट ईयर के, मैंने इंस्टीट्यूट लेवल कट ऑफ्स में देखे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, और उसके बेसिस पे मैंने इस पूरे ऑर्गेनाइज वे में मैं आपको आपके लिए एकदम
कट ऑफ्स की रेंज दी है यहाँ पर। अगर आपको इंस्टीट्यूट कट ऑफ देखना है इसका सीएस के लिए, तो यार आपको 99.4 से 0.5 टू 0.7 माइनस करना है, मतलब 99.4 माइनस 0.5 दैट इज लगभग 98.5 तक यार आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। 98.5 98.6 भी मिलता है तो भी सीएस की सीट आपको इंस्टीट्यूट लेवल में मिल जाएगी। सिमिलरली आईटी का भी वही सीन है, 99.1 है विच इज़ हाई कट ऑफ। देन अदर देन होम यूनिवर्सिटी का थोड़ा कम जाता है 98.6। देन गुजराती के लिए भी कंपटीशन है, पूरी आईटी सीट्स फिल हो जाती है 98.2 के लिए। जेई का कट ऑफ 98.62 और इंस्टीट्यूट लेवल में आपको आईटी सीट चाहिए तो यार सिमिलरली 0.5 टू 0.7 आपको माइनस करना है, 99.1 माइनस 0.5 तो यार आपका इंस्टीट्यूट कोटा में हो जाएगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ईएक्सटीसी में ओपन कैटेगरी का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 98.04, देन अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए कम गया 95.9। गुजराती हो यार 120 सीट्स है तो सारे गुजराती ये सीट्स ईएक्सटीसी में आ जाते हैं, तो 93.76 में भी मिल जाएगा ईएक्सटीसी। जेई का 97.01 के थ्रू आपको इसमें मिल जाएगा और इंस्टीट्यूट लेवल में आपको ईएक्सटीसी में मिल जाएगा, अगर आप 2% इससे माइनस करते हो 98-2 दैट इज 96 तक भी मिल जाएगा ईएक्सटीसी इंस्टीट्यूट लेवल पे। मैकेनिकल का भी सेम है 98.07, अदर देन के लिए थोड़ा कम जाएगा। गुजराती के लिए यार 120 सीट्स है तो सारे गुजराती स्टूडेंट्स यार उनका बहुत ही अच्छा होता है यार, माइनॉरिटी कॉलेज है इसलिए 83.76 तक भी मिल जाएगा मैकेनिकल अगर आप गुजराती स्टूडेंट हो तो। जेई का 96.36 कट ऑफ है। अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल पे चाहिए ओपन कैटेगरी में हो तो आपको 98-3 करना पड़ेगा, 98-3 करना पड़ेगा दैट इज 95 तक मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 97.4 है ना, अदर देन के लिए कम जाएगा, फिर गुजराती उनके लिए भी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स 88% में मिल रहा है। देन अगर आपको इंस्टीट्यूट लेवल में चाहिए, अगर किसी को ऑनलाइन में नहीं मिल रहा तो आपको 2.5-3 माइनस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स से ओपन कैटेगरी का, 97.4-3 तो लगभग 94 तक मिल जाएगा। केमिकल का तो यार 98.02 है ओपन कैटेगरी के लिए, ऑनलाइन 93.64 कम जा रहा है। गुजराती हो तो यार आपको मिल जाएगा आराम से 35.79 तक, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जाते केमिकल में। देन जेई का 95.52 इंस्टीट्यूट कोटा में 7-8% आपको माइनस करना है ओपन कैटेगरी से, 98-7 और 8 दैट इज 90% तक भी आपको ये केमिकल मिल जाएगा इंस्टीट्यूट लेवल तक। सो गाइज आई होप कट ऑफ का पूरा आइडिया लग गया रहेगा इसमें। गाइज अभी हम बात करते हैं यार इसकी प्लेसमेंट की। गाइज डीजे सांगवी बोले तो यार प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, प्लेसमेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट, बहुत सारी कंपनीज विजिट करती है इस कॉलेज को। ये PDF इट इज़ अवेलेबल ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, जिन्होंने मतलब लगभग 3 साल के प्लेसमेंट PDF उन्होंने वहाँ पर अवेलेबल किए हैं। ये 2019-20 की बैच है, 2020 बैच का है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट हुए गाइस बहुत कंपनी गाइस। मॉर्गन स्टैनली देखो हाईएस्ट पैकेज इज 25.5 जो कि एक को मिला था 14 लाख पर एनम दैट इज़ फॉर 19 स्टूडेंट्स जो कि अच्छा है यार। 10 लाख का पैकेज 7 स्टूडेंट गाइस देखो। क्वांटिफी जो ऐसी कंपनी है उन्होंने 45 स्टूडेंट को हायर किया है फॉर 9 लाख पर एनम का पैकेज। सो प्लेसमेंट्स आर रियली गुड, 10.5 6.43 आप देख सकते हो अच्छे अच्छे प्लेसमेंट है। इन्फोसिस ने 87 स्टूडेंट हायर किए फॉर, आप बोल सकते हो ना मास रिक्रूटर, 87 फॉर 3.6 विच इज अच्छा नहीं है बट मास रिक्रूटर यू नो। डेलॉइट भी अच्छी कंपनी है 7 आप देख रहे हो। रिलायंस जियो भी आती है 3.75 लाख तक उन्होंने किया था आप देख सकते हो। गोदरेज कंपनी फॉर केमिकल, कैप जेमिनी, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग टेक्निक कंपनीज आ रही है ऐसी, टाटा पावर्स, बहुत ऐसे देखो गाइस आप कंपेयर करो प्लेसमेंट्स पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं 7, 4, 11 लाख देखो 1, 16 लाख का नहीं मिला किसी को। वैसे तो देखिए यार 87 टोटल कंपनीज आई है, किसी कॉलेज में इतनी सारी कंपनीज आना बहुत बड़ी बात है, 87 कंपनीज विच इज़ गुड नंबर। सो और इन्होंने जो जितने ज़्यादा ऑफरिंग्स हुई है वो 512। सो इसमें लास्ट में पूरा रिव्यू दिया है कि कितने ब्रांचेस के कितने प्लेस्ड हुए, केमिकल के 18 आउट ऑफ 20, कंप्यूटर साइंस के 78 आउट ऑफ 80 विच इज़ गुड ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी अच्छे प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा है 91 आउट ऑफ 95, सिर्फ 4 जन की प्लेसमेंट नहीं हुई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अच्छी है 45
ऑफ द 47 मैकेनिकल का भी अच्छा है प्लेसमेंट। सो गाइस देखो यार टोटल 334 स्टूडेंट प्लेस हुए आउट ऑफ 372 विच इज़ गुड नंबर कोई भी कॉलेज में। और उनके थोड़े स्टैक्स है 16-17 में एक 109 कंपनीज आई थी, 17-18 में 79, 100 कंपनीज आ रही है कॉलेज में। तो यार प्लेसमेंट अच्छा ही है, कंपनीज विजिट कर रही है मतलब प्लेसमेंट आपको होगा ही। और लास्ट ईयर 87 हुई तो लगभग आप ऑफर्स भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप देखोगे तो यार बहुत ही अच्छा है प्लेसमेंट रिकॉर्ड। आप अगर प्लेसमेंट का अगर चिंता है तो यार मत करो अगर इस कॉलेज में आना है तो, प्लेसमेंट इज़ गुड। नाउ गाइज अभी देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का। गाइज फीस आर रियली हाई बिकॉज ऑफ हिज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द अवेलेबिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग टू यू। सो गाइज लास्ट ईयर इनकी जो फीस थी 1.84 लाख फॉर द ओपन कैटेगरी। अगर आप ओबीसी हो ईबीसी हो तो थोड़ी आपकी कम जाएगी। तो यार ये फीस होती है ना वो हर साल बढ़ती रहती है। लास्ट ईयर 1.84 थी, इस साल और बढ़ेगी, आने वाले साल में और बढ़ेगी तो फीस इज आप देख सकते हो। और एक मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, अगर फीस आए तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पर। स्कॉलरशिप मतलब हर ईबीसी तो हर जगह मिलती है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सिर्फ 50% कंसेशन मिलेगा। ट्यूशन भी आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए जो एनुअल इनकम होती है। डीटी कैप के थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप गुजराती स्टूडेंट हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो तो आपके लिए स्कॉलरशिप होती है फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। इसमें आपका एनुअल इनकम चाहिए लेस देन 6 लाख और आपको हर साल 25,000 मिलेगा। सो 25,000 भी आएगा तो यार आपकी थोड़ी वो फीस है वो थोड़ी कम हो सकती है। सो आपको इनकम सर्टिफिकेट ये सब बनाना होता है। सो स्कॉलरशिप है गुजराती स्टूडेंट के लिए, ओपन कैटेगरी मराठी स्टूडेंट के लिए भी है, दैट इज़ ईबीसी। सो स्कॉलरशिप के लिए भी मैंने आपको ये थोड़ी आइडिया दे दी है अभी। गाइज अभी हम बात करते हैं इसके क्राउड के बारे में। गाइज इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट क्राउड यू कैन से। आई वुड रेट 5 out of 5 फॉर दिस क्राउड थिंग। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है पर्सनल ग्रोथ सेल्फ ग्रोथ के लिए वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेगा। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है वो आप अपने फ्रेंड के थ्रू ही सीखते हो, बहुत सारे स्किल्स हो यार, ये ऐसे स्टूडेंट आपको इस कॉलेज में डेफिनेटली मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुजराती, एज यू नो इट इज़ रिजर्व फॉर गुजराती पीपल। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कम फॉर दिस कॉलेज, बिकॉज आपको गुजराती स्टूडेंट के माहौल में आओगे तो यार बिजनेस टैक्टिक्स भी सीख जाओगे। एंड ऑल्सो गाइज दिस कॉलेज हैज हाई फीस, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम फ्रॉम रिच बैकग्राउंड। एंड वन ऑफ द मेन थिंग इज गाइज बहुत सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए इस कॉलेज से जाते हैं, फॉर MBA, मास्टर्स अब्रॉड जाते हैं, फिर इंडिया में उनको IIT चाहिए तो यार गेट के थ्रू मास्टर MTech के लिए जाते हैं। सो गाइज क्राउड इज़ वन और बहुत ही सपोर्टिव। आपके फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे बनाए तो यार लाइफ टाइम तक आपको उनकी हेल्प, बहुत कुछ इंजॉय करोगे आप इस कॉलेज लाइफ में। क्राउड इज़ गुड फॉर दिस DJ Sangvi। नाउ गाइज अभी हम बात करते हैं फैकल्टी के बारे में। गाइज दिस पिक्चर इज ऑफ फैकल्टी, जो सेंटर में है वो प्रिंसिपल सर है डॉक्टर हरि वसुदेवन। गाइज इज़ वन ऑफ द मोटिवेटिंग पर्सन, ही ऑलवेज फोकस ऑन गुड थिंग्स। बहुत सारे एक्टिविटीज़ ये कॉलेज में लेके आते हैं। एंड फैकल्टी के बारे में अगर बताओगे तो यार आई वुड रेट 3 out of 5 बिकॉज फैकल्टी इज़ गुड। बहुत सारे यंग टीचर्स हैं इस कॉलेज में, दे आर रियली गुड एट टीचिंग, बट ऐसे भी टीचर्स मिलेंगे जो कि अच्छे नहीं पढ़ाते। सो गाइज दिस कंडीशन इज़ इन एवरी इंजीनियरिंग कॉलेज। आप जो 12th स्टैंडर्ड में आपको जो स्टडीज़ मिलती थी, उस टीचिंग मिलती थी, वैसी सेम एक्सपेक्ट मत करो अगर आप इंजीनियरिंग में आना चाहते हो। बहुत बार आपको खुद से ही पढ़ना होता है, आपके फ्रेंड से पढ़ना होता है, आपको यूट्यूब से पढ़ना होता है। सो फैकल्टी इज़ गुड। बहुत सारे ऑथर्स इनके खुद ने उन्होंने अपने बुक्स लिखे हैं, ऐसे प्रोफेसर इस कॉलेज में हैं एंड प्रोजेक्टर्स आर एवरीथिंग इज़ देयर। सो फैकल्टी इज़ डिसेंट। गाइस अभी हम बात करते हैं कैंपस ऑफ DJ Sangvi। This is their building and it has one of the best infrastructure. अगर आप बाहर से देखोगे तो यार आपको ये सिक्योरिटी अंकल हमेशा देखेंगे, और ये गेट, ये DJ Sangvi की पूरी बिल्डिंग है आप देख सकते हो। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो यार आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा विद दिस ऑटोमेटिव कार्स, दीज आर मेड बाय देयर स्टूडेंट्स ओनली विच इज़ गुड।
और अगर आप क्लासरूम देखोगे यार, दे आर वेल मेंटेन्ड, वेल फर्निश्ड, बेंचेस आर रियली ग्रेट, इवन प्रोजेक्टर्स, एवरीथिंग इज गुड अबाउट क्लासरूम्स. आप दूसरे फोटोज भी देख सकते हो क्लासरूम्स विद द स्टूडेंट्स. ऑल्सो दे हैव गुड कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स गाइज, इवन दे टीच विद द प्रोजेक्टर्स, दैट इज गुड. और ये कैंटीन है गाइज, कैंटीन में अगर आप एंट्री करोगे तो आप ऐसे लगेगा यार किसी होटल में ही आए हो. कैंटीन इज गुड बट आई हैव हर्ड दैट फूड इज नॉट दैट मच गुड फ्रॉम द स्टूडेंट्स. या दिस इज लाइब्रेरी, दिस इज ग्रेट, वेल मेंटेन, गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स. आपको कोई भी टेक्निकल बुक्स चाहिए तो यार इस लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी. एयर कंडीशन है, एसीज है, बहुत सारे स्टूडेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे लाइब्रेरीज में. कई बार तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती. उनके ई बुक्स भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी सेट ऑफ लाइब्रेरी है, इट इज़ गुड. ये गाइज कंप्यूटर साइंस का लैब है, इट इज़ ऑल्सो वेल मेंटेन, कंडीशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग इज वेल मेंटेन. दिस इज ऑल्सो कंप्यूटर साइंस की लैब, सीटिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो नाइस. आईटी का लैब बहुत ही, ये भी बहुत बढ़िया है. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लैब है ये गाइज. दिस इज केमिकल डिपार्टमेंट का लैब. इवन दिस इज गाइज, दिस इज कॉन्फ्रेंस रूम. जो अगर कोई प्रोफेसर कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो यार यहीं पर आकर करते हैं. दीज आर द लिफ्ट्स, अगर आपको लिफ्ट्स का यूज़ करना है ऊपर नीचे करने के लिए यू कैन यूज़ देम, नहीं तो यार आपके लिए स्टेयर्स अवेलेबल है ही. गाइज ऑल्सो कॉलेज हैज देयर ओन जिम, अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो उनके कुछ मंथली एनुअल चार्जेस होते हैं, यू कैन ज्वाइन इफ़ यू वॉन्ट. ऑल्सो जिम खाना है, अगर फ्रेंड्स को अपने साथ कुछ खेलना है तो या फ्री टाइम में आप यहाँ पर आ सकते हो. कैरम, टेबल टेनिस, गाइज इज द डिपार्टमेंट लेवल फोटोज. नाउ गाइज आई वुड लाइक टू फोकस ऑन ट्रिनिटी. गाइज ट्रिनिटी इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट एनुअल फेस्ट, जिसके लिए सभी डीजे सांगवी के स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. इसमें बहुत सारे सब इवेंट्स होते हैं, उनमें से स्पोर्ट्स डे एक है. गाइज स्पोर्ट्स डे में बहुत सारा फन होता है. आप बॉयज गर्ल्स के लिए 100-200 मीटर्स के रेसेस होती है, इवन लॉन्ग जंप्स. इंटर डिपार्टमेंट लेवल्स में यार टग ऑफ वॉर का टशन होता है, इवन रिलेज होती है. इवन स्टाफ मेंबर्स अगर टीचर्स हैं उनकी भी रेस आपको कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेंगी स्पोर्ट डे के ऊपर. यार जीतने वालों को यार ट्रॉफीज, कुछ मेडल्स. ऑल्सो देर इज वन अदर सब इवेंट दैट इज एफ ई वॉर्स फॉर फ्रेशर्स. आप फ्रेशर्स रहोगे तो यार आपको बॉक्स क्रिकेट है, अगर गर्ल्स के लिए खो खो है, इवन बॉयज के लिए रिंग फुटबॉल है. ऑल्सो अदर सब इवेंट इज डी जेज गॉट टैलेंट. गाइज अगर कोई आप में हुनर है, टैलेंट है, बहुत सारे पार्टिसिपेशन होते हैं डी जे गॉट टैलेंट के लिए. सिंगिंग, डांसिंग, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हो, इवन डांसिंग, अगर स्टैंड अप कॉमेडी ने कुछ भी हुनर हो आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है आपके पास. इवन आई डी पी टी गाइज इट इज़ ऑल्सो ग्रेट, बहुत सारे डांसेस होते हैं इस फॉर्म में, फ्लेक्स प्रेजेंटेशन, ये सब कुछ होता है आई डी पी टी में. इवन ट्रेडिशनल डे ट्रिनिटी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें आपको ट्रेडिशनल्स पहन के कॉलेज में जाना होता है, फोटोज खींचते हैं. ऑल्सो रोज डे इज देयर विच इज़ गुड. रोज डेज अगर मिस कर रहे हो तो यार आपको चांस मिलेगा इस कॉलेज में. नाउ गाइज आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द हॉस्टल्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कॉलेज में आना चाहते हैं फ्रॉम आउटसाइड मुंबई, तो यार हॉस्टल के जो रेट्स है मुंबई में आर रियली हाई. अगर विले पार्ले में भी देखोगे हॉस्टल्स, उनकी प्राइजेस आर अबाउ 1 लाख पर ईयर विथ फूड एंड मेस. तो यार नियर बाय आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नियर बाय विले पार्ले, दैट इज दादर, वडाला, अंधेरी, बोरीवली, और थोड़ी बहुत रिसर्च करो. इवन विले पार्ले में भी आपको 70-80 तक मिलने चाहिए, 70-80,000 तक मिलने चाहिए, या फिर 1 लाख बहुत ही ज़्यादा है. रेट्स आर हाई इन मुंबई फॉर हॉस्टल्स. एंड द सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज पी जी, पेइंग गेस्ट. आपको बहुत सारे पी जीज होते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो. इन देयर यू हैव टू शेयर रूम्स विद अदर पार्टनर्स. इसके थोड़ा एक्सपेंसिव कम होता है एज कम्पेयर टू हॉस्टल्स. डिपेंड करता है वो प्रोवाइड करेगा कि नहीं. मेस होता है किसी पी जीज में, नहीं भी होता. अगर नहीं है तो आपको बाहर पी जी के बाहर मेस लगाना पड़ेगा. एंड थर्ड ऑप्शन यू हैव दैट इज रूम शेयरिंग विद फ्रेंड्स. और एक चीज़ बताऊँ, जब बहुत सारे पी जीज विले पार्ले में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पी जी ज्वाइन करते हैं, एज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन हॉस्टेल. और थर्ड ऑप्शन है रूम शेयरिंग विद फ्रेंड्स.
आप अपने क्लासरूम्स में कोई हॉस्टल ज्वाइन कर रहा है तो उसको कलेक्ट करके कोई रूम रेंट पे ले सकते हो, वो भी थोड़ा कम बजट में हो जाएगा। नाउ गाइज वी विल डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स। गाइज प्रोज यानी कि अच्छा या इस कॉलेज की, गाइज प्लेसमेंट्स आर रियली ग्रेट ऑफ दिस कॉलेज। प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है कॉलेज, बहुत 100+ कंपनीज आना मतलब प्लेसमेंट आर रियली ग्रेट। बेस्ट इन्वायरमेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ, गाइज पर्सनल ग्रोथ, कोडिंग इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है इसमें, तो बेस्ट इन्वायरमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द वीडियो। नाउ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैज़ प्रूवन दैट डीजे हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्सो गाइज देर आर सो मेनी सोसाइटीज, क्लब्स एंड कमिटीज जो कि बहुत सारे वर्कशॉप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है फॉर देयर डीजे के स्टूडेंट्स। ट्रिनिटी एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है ईसेल, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड सब वर्कशॉप्स या फिर स्पीकर्स बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ACM इज देयर कोडिंग, CSI, ACM आर कोडिंग कमिटीज, हैकेथॉन, ये सब बहुत कंप्यूटर रिलेटेड वर्कशॉप्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। डीजे अंतरिक्ष, RAS, SAE, IT है, ICHC, केमिकल कंपनी। स्पोर्ट्स में यार आपको बहुत फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल भी अवेलेबल है। रोबोकॉन्स, NSS, ओरा दैट इज ड्रामा, डीजे बेट्स, म्यूजिक कमिटी, डीजे धड़क, डांस कमिटी, यहाँ पर मैंने थोड़ी कमिटीज क्लब्स डाले, और भी बहुत सारे क्लब्स है डीजे में, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कुछ स्किल्स गेन हो सकती है अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करते हो, उस कमिटी में इनरोल करते हो तो। गाइज बेस्ट क्राउड इट हैज़। नाउ अटेंडेंस गाइज इतना कुछ इशू नहीं है अटेंडेंस का, बट 75% है, बट फिर भी इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, समझ सकते हो आप। एंड हायर स्टडीज़, अगर आपको हायर स्टडीज़ पे अगर फोकस ज़्यादा है, यू कैन जॉइन दिस कॉलेज, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए डीजे से जाते हैं, MBA, MS, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से डीजे से करते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर हायर स्टडीज़। नाउ गाइज कॉन्स, थोड़ी बुराइयाँ गाइज, देयर फीस आर हाई बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग, सो दे आर इंक्रीजिंग ईयर बाई ईयर। Now the canteen food is also not great, I have heard from students as well, canteen food उतना अच्छा नहीं है। And the campus size, guys, campus size इतना बड़ा नहीं है, अगर आप बहुत ही बड़ी expectation से आए हो campus बहुत बड़ा होगा, नहीं एक ही building है, आपको बहुत सारे activities वहीं पर करनी पड़ेंगी, but they are also worth it अगर आपको बाहर बाकी के factors अगर आप consider करते हो related to this college। Now the hostel, guys, college का खुद का hostel नहीं है, अगर होता तो यार आपको थोड़े रेट्स थोड़े कम में आ जाते, इसके लिए आपको बाहर ढूंढना नहीं पड़ता, आउटसाइड कॉलेज हॉस्टल्स। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेरीज एंड डाउट्स यू हैड इन योर माइंड थ्रू दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट्स है रिलेटेड टू दिस कॉलेज, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देम ऑल। अगर आपको ऐसे ही कॉलेज रिव्यू चाहिए, प्लीज़ कमेंट कौन से कॉलेज के बारे में आपको रिव्यू चाहिए, कौन से वीडियोस आपको चाहिए। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने आपके लिए वीडियोस रिसर्च करके वीडियोस बनाओ, तो लाइक तो कीजिए एटलीस्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा अपनी फैमिली भी इंक्रीज हो जाएगी, आपको ऐसे वीडियोज़ में प्रोवाइड करता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए समीर शो।